पुनीत पाठक जी, इस चर्चा की शुरुआत अब आपसे करने जा रहा हूं। लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली कि विनाश काले विपरीत बुद्धि लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। सर, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया आपकी पार्टी ने, आपको जाना नहीं, फिर सर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग, आपको दिक्कत क्या है? फिर देखिए, पहले तो आप लोग अपना वक्तव्य सही करिए। राजनीति इस पे कांग्रेस नहीं कर रही है, राजनीति इस पे बीजेपी कर रही है। बीजेपी जो लोग स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन में शामिल थे उनको राष्ट्रवाद सिखाती है, बीजेपी शंकराचार्यों को शास्त्र सिखाती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में राहुल गांधी जी ने बहुत बढ़िया कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर भगवान को मिल जाए तो उनको दुनिया चलाना सिखा देंगे। ये क्या चल रहा है? क्या कभी कांग्रेस ने कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? अब मैं अजीत जी की बात से बहुत मेरा बहुत बड़ा इस पे दिक्कत है कि इन्होंने शुरू कैसे किया। क्या कांग्रेस ने भी कभी कहा मंदिर नहीं बनना चाहिए? मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है और कांग्रेस ने इसका पूरा पूरा समर्थन किया है। हाँ, हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शंकराचार्य भी अगर बोल रहे हैं ये बात, फिर ये चीनी नुक्ता क्यों कर रही है? सर सर ये तो बता दीजिए, चीनी नुक्ता क्यों कर रहे हैं? कोई चीनी कुंदन जी, किसी ने कोई चीनी नुक्ता नहीं किया। सुनिए, इस देश में अपनी बात रखने का हक सबको है। हम ये कह रहे हैं जैसा कि पवन खेड़ा जी ने भी उस दिन कहा था, ये मंदिर के लिए प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, दिन का चुनाव नहीं किया गया है, चुनाव को देखते हुए मंदिर का काम हो रहा है, जिसका अभी शिखर नहीं बना है। जिस मंदिर में कितना अच्छा होता अगर रामनवमी के दिन रामलला वहां विराजमान होते, कितना सुंदर दृश्य वो होता कि रामनवमी के दिन जब मंदिर पूरा बन जाता तब। अरे ठीक है ना पुनीत जी, आप बना लेते मंदिर ना, आप ऐसा तो नहीं है कि आप सत्ता में नहीं रहे, आप बना लेते मंदिर। हो जाने दीजिए, आप लोग सिंगल पॉइंट एजेंडा चला रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई ऐसा विरोध नहीं किया। खड़गे जी ने ये भी बोला, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बहुत सारे हमारी पार्टी के कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, किसी को मना नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, हम इस बात का जरूर विरोध करेंगे कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और इस बात का मैं आपके, चलिए धर्म पर राजनीति करिए बीजेपी, मैं बीजेपी वालों से जवाब लूंगा। सर आप बने रहिए, आप बने रहिएगा। अंकुर सक्सेना हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हैं। अंकुर सक्सेना जी, आपका क्या स्टैंड है? आप भी कहते हैं कि ये मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी, पुरानी मूर्ति कहां गई, पुरानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी तो अब नई मूर्ति की क्या जरूरत है? आपका भी स्टैंड यही है जो कांग्रेस कह रही है? सर देखिए, मुझे कांग्रेस की विचारधारा या स्टैंड से कोई भी परिचय या कोई भी कह लीजिए संबद्धता नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय शब्द से राष्ट्रीय लोकदल की उत्पत्ति हुई है और राष्ट्र जो होता है वो राम जी का राष्ट्र है और हमारे जो राष्ट्रवाद की भावना है उसमें राम और रहीम का समान स्थान है और प्रभु श्री राम हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। क्योंकि राष्ट्र की जो संस्कृति होती है उस संस्कृति में राम से अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता है। परंतु हम लोग रहीम को भी मानते हैं, उन रहीम को मानते हैं जिनके आधार पे। अंकुर जी अभी देखिए, कांग्रेस आपकी दोस्त है, आप बताइए ना, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, पीएल पुनिया कह रहे हैं, ये लोग जो बात रख रहे हैं सर, उस पर आप बात रखिए ना सर। तो मैं उसी बात पे तो आ रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? अपनी बात उनकी हो सकती है, मैं किसी के शब्दों को अपनी जुबान से नहीं बोल सकता। हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी आइडेंटिटी है, हम उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। और मेरी अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी बात करते हैं या राष्ट्रीय लोकदल प्रवक्ता की हैसियत से भी बात करते हैं तो मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि जब सनातन संस्कृति से बाहर हमारा भारत देश है तो जो भारत देश है, भारत देश के नाम, भारत के नाम पर जब भारतवर्ष का निर्माण हुआ है तो ऐसी स्थिति में राम का कोई विरोध ही नहीं है। हाँ, हम लोग विरोध करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स का, हम लोग विरोध करते हैं भगवान प्रभु आराध्य अपने आराध्य श्री राम के नाम के राजनीतिकरण का। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग राजनीतिकरण का विरोध कर रहे हैं और भाजपा की गलत नीतियों का, तो आप सर, अरे सर आप ये तो बता दीजिए, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं ठीक है, राजनीति पे आप बीजेपी को घेरिए, लेकिन आप उस मूर्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं तो ये तो बता दीजिए सर, आप मूर्ति पर सवाल उठाते हैं? अगर नहीं उठाते तो कांग्रेस के बयान की निंदा करिए, आपके दोस्त हैं गठबंधन में आप लोग, आप निंदा करिए फिर। आप एक बार बताइए, किसी की निंदा परिनिंदा हम किस आधार पे करेंगे? कि हमसे चैनल ने कहा कि आप निंदा कीजिए तो हम निंदा करेंगे? कदापि नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग सत्यवाद का साथ दे रहे हैं, हम लोग प्रभु श्री राम को आपके सम्मानित चैनल पे फिर कह रहे हैं हमारे लिए आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यानी आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, कांग्रेस भी कह रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपने सुना, आप लोग बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, राम के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा वोट के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस और आरएलडी भी कह रही है।
राघवन जी, राघवन जी, राघवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए ना, आप म्यूट हो चुके हैं। चलिए हमारे साथ, आपको बता राघवन जी, आप अभी अभी आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हमारे साथ साध्वी गीतांबा हैं। गीतांबा जी, एक बड़ा सवाल है ये अब देखिए, वो शुभ घड़ी आ गई, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और सब तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, ये क्या है? बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये कर रही है, और ये लोग मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए लग रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है एक हिंदू धर्म गुरु होने के नाते कि आखिर चल क्या रहा है? देखिए, अब चाहे वोट की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, हमारे राम आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिर का शिखर नहीं बना है तो वहां मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए, तो रामेश्वरम में भगवान राम मंदिर नहीं बनवाए थे, सिर्फ मूर्ति बनाए थे, और मूर्ति में ही उन्होंने भगवान शंकर जी को बोले थे कि लिंग था भी बिजोत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा, भगवान शिव को उन्होंने आवाहन किया था, वहां मंदिर नहीं था रामेश्वरम में जब भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। दूसरी बात, हमारे ही बनारस में जो अभी 2 मूर्तियों की बात चल रही है, तो हमारे ही बनारस में, और हमारे ही बनारस में सिद्धपीठ है विशालाक्षी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति पीछे है और एक मूर्ति आगे है। तो अगर हमारे यहाँ ये लोग खिलाफत कर रहे हैं तो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध जा रहे हैं, शास्त्रों में ये सब चीजें हैं, और शास्त्र में जब ये सब चीजें हैं तो यहाँ अगर राजनीति, एक मिनट के लिए अगर भाजपा राजनीति ही कर रही है तो एक धर्म के लिए कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से, हमारा भी 63 साल की अवस्था हो गई है, इतने दिनों से हमने नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री मंदिर में गया हो, सारे प्रधानमंत्री मजारों में गए, रोजा खोले, ये किए, वो किए, ऐसे किए, वैसे किए, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री अगर मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर का विशेष तौर से, तो इतना वंडर नहीं करना चाहिए। रही बात राजनीति, मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिग्विजय कह रहे हैं कि जब पुरानी मूर्ति थी तो इस नई मूर्ति की क्या जरूरत है, तो आपको लगता है क्या नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराना हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक कोई विपरीत है, क्या गलत है? साध्वी गीतांबा जी, विशालाक्षी, हाँ, काशी जो है धर्म नगरी है, और काशी में विशालाक्षी मंदिर में आप जाइएगा, दर्शन करिएगा, लोगों से पूछ भी लीजिए, वहाँ 2 मूर्तियां हैं, एक आगे मूर्ति है, एक पीछे मूर्ति है, जो पीछे वाली मूर्ति है उसकी पूजा सिर्फ एक बार होती है, जो आगे वाली मूर्ति है दर्शन के लिए रखी गई उसकी मूर्ति, उस मूर्ति की बार बार पूजा होती है। तो हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार हजारों बार अगर देखा जाए, हजारों मंदिरों में देखा जाए, जैसे जैसे मूर्तियों की जरूरत होती है वैसे वैसे मूर्ति का परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि हम एक ही मूर्ति पर बैठ जाए, ऐसा नहीं, ये मेरे शास्त्र के अनुरूप है, विपरीत नहीं। जी,